नाउ विल डिस्कस कि आहार देने की जो विधियां कौन कौन सी है, पोषण की विशिष्ट विधियां, यानी कि जब हम रोगी को आहार दे रहे हैं तो वो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। वो अगर भोजन खा सकता है, चबा सकता है, निगल सकता है, तो हम उसको सामान्य भोजन देंगे, या फिर उसको अगर थोड़ी सी दिक्कत है डाइजेशन में तो थोड़ा हम अर्ध तरल देंगे, या उसे तरल भोजन देना है मुख द्वारा जो हम देते हैं। लेकिन वो अगर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन संस्थान काम नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको नली द्वारा या अंतःशिरा द्वारा उसको जो है भोजन उसके डाला जाएगा। यानी कि भोजन देने की जो विधियां है वो अलग अलग तरीके की है। अगर हम देखें तो दो प्रकार की विधियां होती है, एक तो सामान्य नॉर्मल दैट इज मुंह द्वारा, जब उसको मुंह द्वारा भोजन दिया जाता है, और दूसरा है कृत्रिम विधि या दैट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, उसके में या तो नली द्वारा ट्यूब द्वारा दिया जाता है या अंतःशिरीय पोषण यानी कि इंट्रावीनस जो न्यूट्रिशन दिया जाता है। अब हम पहले बात करें सामान्य विधि द्वारा दिए जाने वाला भोजन। ये जो होता है इट्स अ नॉर्मल, जब वो मुख से भोजन कर सकता है। कई बार जब व्यक्ति का जो कोई बीमारी होती है, उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद उसको एक दो दिन बाद मुंह से भोजन दिया जाता है, तो पहले हम उसको तरल तरीके से देते हैं। दो तीन दिन जब वो तरल भोजन डाइजेस्ट करने लगता है तो उसको फिर सेमी हम कह सकते हैं सॉलिड देते हैं, और धीरे धीरे सॉलिड की ओर आते हैं। तो इसमें क्या दिया जाता है, समस्त पेय पदार्थ लिक्विड जो होते हैं वो दिए जाते हैं, या तो ठंडे या गर्म, उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको पदार्थ दिए जाते हैं। दाल का पानी देते हैं, हम दाल को उबाल लेते हैं, उसको छान कर उसका पानी देते हैं। सब्जियों का सूप बना कर देते हैं, यानी कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब्जियों को हम बॉइल करते हैं और उसको फिर छान लेते हैं। चावल का पानी दिया जाता है जिसे हम मांड कहते हैं। देन ग्लूकोज का पानी भी आप डायरेक्ट घोल के दे सकते हो, इसके अलावा इलेक्ट्रोल पाउडर होता है। तो ये तो तरल रूप में दिया जाता है। अब कृत्रिम विधि की हम बात करें, आर्टिफिशियल, तो वो मैंने कहा या तो आप उसको नली द्वारा ट्यूब द्वारा दिया जाता है, या फिर उसको इंट्रावीनस। ये तब दिया जाता है जब वो मुंह से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो उसकी हम कह सकते हैं पाचन नली है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जब मुंह से भोजन नहीं दे सकते तब उसको नली द्वारा भोजन दिया जाता है। तो नली द्वारा में क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जब आप ट्यूब के द्वारा उनको भोजन दे रहे हो तो पर्याप्त मात्रा में पोषण आसानी से पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि उसको जितना पोषण देना है हम नली द्वारा पहुंचा देंगे, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पोषण आसानी से पूरा किया जा सकता है। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ जो है वो रोगी के शरीर में पहुंच जाते हैं, नहीं तो अगर हम मुझसे कहते हैं उसे लेने को तो उतना नहीं ले पाता, कई बार वो वॉमिट कर देता है। तो नली से देने से क्या फायदा होता है कि जितने उसके रिक्वायरमेंट है और पर्याप्त मात्रा में तरल उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। दवाइयां और भोज्य पदार्थ जिन्हें रोगी इतराज करता है, यानी कि कोई दवाइयां उसको कड़वी लगती है, कोई भोज्य पदार्थ उसको पसंद नहीं है, तो उनको हम नली के द्वारा उसके अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये अगर हम देखें, और इससे नली लगे होने से क्या होता है कि कई बार उसका अमाशय से कुछ टेस्ट करना होता है, कुछ निकालना होता है, तो वो भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम देखें कि नली के द्वारा क्या क्या भोजन दिए जा सकते हैं, तो उसमें है सबसे पहले अधिक कार्बोज युक्त आहार दिया जाता है, जैसे कि जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, डेक्सट्रीन, माल्टोज, ये सब इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जिसमें कि सुक्रोज, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ये सब उसको आसानी से दे सकते हैं। रोगी की कैलोरी की जो मांग है, उसकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको हम 300 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, पानी उसको 1.5 लीटर दे सकते हैं, संतरे का रस 1 लीटर दे सकते हैं। यानी कि जो नली द्वारा दे रहे हैं तो हम ये देखें कि अगर उसको कार्बोहाइड्रेट की मांग है उसके शरीर में, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे कि पानी 1.5 लीटर दे सकते हैं और संतरे का रस 1 लीटर दे सकते हैं। अब संतरे के रस में ग्लूकोज 300 ग्राम होता है और सुक्रोज जो होता है 100 ग्राम होता है। इसके अलावा हम विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट जो भी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। दिस इज वेन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज रिक्वायर्ड। लेकिन यदि उसको कार्बोहाइड्रेट प्लस सामान्य प्रोटीन वाला आहार चाहिए तो उसको दूध दे सकते हैं, नली के द्वारा 1.5 लीटर दूध दे सकते हैं, जौ का पानी 1 लीटर दे सकते हैं, ग्लूकोज इसमें 200 ग्राम और सुक्रोज इसमें 100 ग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बहुत अधिक कुपोषित रोगी है तो उसको 100 से 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसके अलावा द्रव पदार्थ दे सकते हैं, वसा जो है इमल्सिफाइड रूप में दे सकते हैं, खनिज लवण, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज लवण में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, विटामिन आदि, ये सब नली द्वारा दिए जा सकते हैं। अब आता है कि उसको बहुत अधिक हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, तो उसको ऐसी डाइट दें, उसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसको हम कैलोरी रिच डाइट दे सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट दे सकते हैं, और ये जो डाइट्स हैं नली द्वारा आसानी से दी जा सकती हैं। अब हम देखें तो नली द्वारा डाइट देने के तीन तरीके होते हैं, या तो उसके नाक में नली डाल दी जाती है, या अमाशय में डाल दी जाती है, या सीधी इंटेस्टाइन में डालते हैं। नाक में हम तब डालते हैं जब उसका आगे का जो पाचन संस्थान है अमाशय और छोटी आंत में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन अमाशय में हम तब डालते हैं जब उसको नाक के द्वारा या गले में उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा, वो वॉमिटिंग करता है, तो हम डायरेक्ट अमाशय में नली डालते हैं, और जब उसका अमाशय भी काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में उसके नली डाली जाती है। तो नली इस तरह से हम देखें तो तीन प्रकार के से डाली जाती है, एक तो नासिका अमाशय नली जिसे नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग कहते हैं, देन अमाशय से प्रत्यक्ष नली डालकर, अमाशय में प्रत्यक्ष डायरेक्ट डाल के जिसे हम कहते हैं अमाशय पोषण या गैस्ट्रोस्टोमी, देन आता है उसका छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर जिसको जो जेजुनम वाला पोषण होता है, तो इसे आंत्रीय पोषण या जेजुनोस्टोमी कहते हैं। यानी कि नाक में हम जब नली डालते हैं, जिसकी मैंने पहले कहा कि जब उसके अमाशय और छोटी आंत सही ढंग से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब उसका अमाशय काम नहीं करता है तो हम छोटी आंत में डालते हैं, और जब उसके मुंह के अंदर डाइजेशन नहीं पाता है तो हम अमाशय का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट जो होता है नली डाल करके उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमने भी डिस्कस किया, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच डाइट जो भी डालना होता है वो डायरेक्ट डाल दी जाती है नली के द्वारा, और जो छोटी आंत में होता है ज़्यादातर हम ग्लूकोज के रूप में डायरेक्ट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम डालते हैं। अब हम बात करेंगे अंतःशिरा, अंतःशिरा यानी कि इंट्रावीनस, इंट्रावीनस यानी कि शिराओं में डायरेक्ट जब भोजन डाला जाता है, इसका महत्व कब क्या होता है, ये हम कब डालते हैं, जब उसको निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन, तब उसको आपने देखा होगा कि सुई द्वारा उसका जो चढ़ाया जाता है, जो आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको मुंह में पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कई बार ऐसी स्थिति आती है और पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण होता है, तब उसको अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं निर्जलीकरण द्वारा, जिसमें जल व इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम होते हैं, वो सब डाल के उसका बैलेंस बॉडी का बनाया जाता है। कोई बीमारी होती है, जब उसको कोई डिसीज है और कोई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी प्रोटीन की कमी को पूर्ण करने के लिए अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये सब चढ़ाए जाते हैं, देन ग्लूकोज देकर प्रतिदिन की ऊर्जा मांग की जाती है, डायरेक्ट उसकी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो हम ग्लूकोज के रूप में उसमें चढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम उनको अगर वसा की रिक्वायरमेंट है तो उसको पायस के रूप में भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिसिन देनी होती है, जो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो सब इसके द्वारा दिए जाते हैं। जब रोगी सामान्य स्थिति में नहीं होता और वो कुछ भी मुंह द्वारा या नली द्वारा भी वो नहीं ले पाता है, तो इंट्रावीनस अंतः जो हम कह सकते हैं अंतःशिरा द्वारा उसको भोजन दिया जाता है। अब ये कब देते हैं अंतः, जब उसके अमाशय व आंत में किसी प्रकार का कोई रोग हो जाए, जब उसको भोजन मार्ग में कैंसर हो जाता है, गले की मांसपेशियां होती है उनमें कई बार लकवा पड़ जाता है, जब मधुमेह इंसुलिन बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तब इस विधि द्वारा भोजन दिया जाता है। और इस विधि द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो ज्यादातर जल के रूप में दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स व एल्कोहल दिए जाते हैं, उसको एमिनो एसिड्स तैयार किए जाते हैं कृत्रिम विधि द्वारा, मतलब हम फूड नहीं दे करके उनका जो डायरेक्ट लास्ट फॉर्म है, जैसे कि वसा जो है वो डाइजेस्ट होती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलता है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, तो हम डायरेक्ट उनको अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ये सब जो है डायरेक्ट उसको शिरा द्वारा उसकी शिरा में दे देते हैं, और उसको पूरा फूड ना दे करके उसका जो सरलतम रूप है वो दिया जाता है। और कई बार उसको रक्त भी चढ़ाया जाता है, रक्त की कमी होती है, ब्लड प्लाज्मा दिया जाता है, ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसमें दिए जाते हैं। और अब ये जो तकनीक है अंत जो शिरा जो दिया जाता है, वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है, इसमें
या तो ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूजन किया जाता है जिसमें ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट ये सब दिए जाते हैं, कई बार अंदरूनी शिरा होती है तो उसमें पॉलिथिन एक ट्यूब होती है, पॉलिथिन ट्यूब होती है, उसके द्वारा आहार दिया जाता है जिसमें ये कुछ दिनों तक हम देते हैं, ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसको फिर जो ट्यूब होती है वो चेंज करते रहते हैं। उसी तरह से जो ऊपरी शिरा द्वारा इन्फ्यूजन दिया जाता है उसमें एक नली दी जाती है, ट्यूब दिया जाती है, उसको भी हमें 3 या 4 बार यूज़ करने के बाद वापस धो करके यूज़ करना पड़ता है, यानी कि आपको कंटिन्यूसली वो ट्यूब नली नहीं यूज़ करनी है, उसको बार बार या तो चेंज करना है या उसको वॉश करके स्टरलाइज करके दिया जाना चाहिए। अब अगर हम देखें कि आहार जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, विभिन्न प्रकार के आहार दिए जाते हैं जो कि आप इससे समझ में आ गया होगा। एक तो होता है सामान्य आहार जो कि नॉर्मल डाइट है, जो कि हम जो कह सकते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के आहार पे आधार पे हम प्लान करते हैं डेली डाइट, यदि उसकी पाचन शक्ति ठीक है। यदि वो फूड सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, कई बार आपने देखा है पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, कोई डिसीज होती है, तो हम उसको अर्ध तरल के रूप में भोजन देते हैं जिसमें दलिया खिचड़ी वगैरह बना के देते हैं। कई बार वो ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो तरल अवस्था में भोजन दिया जाता है जिसमें दूध देते हैं, जूसेस देते हैं, दाल का पानी देते हैं, इस तरह से बिल्कुल तरल भोजन दिया जाता है। फिर एक होता है सौम्य भोजन जिसे हम कह सकते हैं ब्लैंड डाइट, उसमें वो तो सामान्य भोजन की तरह होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट होता है, इसमें बहुत अधिक मसाले नहीं होते, तेल भी कम प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से उसके रोगी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें आहार को प्लान करना है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी रोगी को आप कोई आहार भोजन परोस रहे हो तो बहुत हाइजेनिक कंडीशन में, रोगी को आहार खाने का मन करे इसके लिए साफ सुथरी ट्रे को ले, अच्छा क्रॉकरी को यूज करें और जो भोजन हम जो दे रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, खाने का उसका मन करे, इस तरह से भोजन को प्लान करें कि उसमें स्वाद भी हो, बहुत तेज मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए, बहुत तेज गंध नहीं हो और उसकी रुचि के अनुसार हमें भोजन दें ताकि जो वो भोजन अच्छे से उसका मन करे खाने को और उसको डाइजेस्ट कर पाए, लेकिन हमें रोगी की जो रिक्वायरमेंट है उसके स्थिति को देखते हुए तरल अर्ध तरल या सामान्य डाइट का ही देना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे और पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिसीजेस में हमें किस प्रकार का आहार देना है। ये हमने जनरल डिस्कस किया है कि व्हाट इज थेरापेटिक न्यूट्रिशन, यानी कि उपचारात्मक पोषण क्या होता है, किस प्रकार से हमें रोगियों के लिए आहार को प्लान करना है और उनकी स्थिति को शारीरिक स्थिति को देखते हुए और बहुत से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनका टेस्ट एलर्जी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक और स्थिति को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वी शुड प्लान आवर